वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। जैसा कि आपने मेरी वीडियो की थंबनेल को देखकर इस पर क्लिक किया है कि आप किस प्रकार अपनी व्हाट्सएप की चैट्स को सेव कर सकते हैं पीडीएफ बना के। उससे पहले यदि आप मेरे पीडीएफ और चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचती रहें और आप इनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, चैट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप जिस भी पर्सन का व्हाट्सएप या की चैट्स को सेव करना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए ताकि आगे चलकर आप उनको देख सकें और कुछ काम ले सकें, तो उसको आप व्हाट्सएप को ओपन करके उस चैट्स को आपको सिलेक्ट करना है। और जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखें ताकि ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप आप कर सकें, समझ सकें वीडियो को। थ्री डॉट्स जो राइट साइड में, इन पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर का, यहाँ पे जाना है। मोर पर जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट चैट, इस पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, विदाउट मीडिया और इंक्लूड मीडिया। विदाउट मीडिया का मतलब है कि यदि आप अपनी सिर्फ चैट्स को ही सेव करना चाहते हैं, वीडियो और फ़ोटो को नहीं करना चाहते, तो आपको विदाउट मीडिया पर क्लिक करना है। और यदि आप अपनी वीडियो और फ़ोटो और चैट्स तीनों को सेव करना चाहते हैं तो आपको इंक्लूडिंग मीडिया पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे विदाउट मीडिया पर क्लिक करना करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ चैट्स ही चाहिए, इसके वीडियो और फ़ोटो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा किस प्रकार होता है ये। तो ये विदाउट मीडिया पर मैंने क्लिक कर दिया, मेरी देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग फाइल हो चुकी है। यदि आप इन चैट्स को किसी पर भेजना भी चाहते हैं पर्सन पर, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव टू ड्राइव करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर गूगल में सेव करनी है, तो मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पर सेव टू ड्राइव। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रिपेयरिंग हो रही है और इसके साथ साथ ही आप इस चैट के नाम को भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसकी भी चैट को आप सेव कर रहे हैं उसके नाम के साथ यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, प्रिपेयरिंग टू अपलोड, मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो रही है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि यह किस प्रकार ये गूगल ड्राइव में सेव हो जाती है और वहाँ पर जाके आप इसे किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेव हो चुकी है दोस्तों। सेव होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे देख स्क्रीन पर ध्यान से देखें ये किस प्रकार सेव हुई है और आप इसे कैसे गूगल ड्राइव में सेव लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जीमेल आईडी की गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन कर ली। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी व्हाट्सअप चैट की पीडीएफ बन के जो आई थी वो आपके फ्रंट पेज पर ही सेव हो चुकी है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी इस पर, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि किस प्रकार मेरी सारी जितनी भी चैट्स थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, डेट वाइज, डेट टाइम, जो भी अपने कितने बजे वीडियो मतलब चैट्स भेजी थी, चैट्स करी थी, कितनी तारीख को कौन सा मैसेज आया। इसी के साथ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू।